आज मैं आपको जनरल स्टडीज़ के एस मेंस के लिए जनरल स्टडीज़ की मैं स्ट्रेटजी बनाऊंगा, बताऊंगा हाउ टू स्कोर मोर मार्क्स अराउंड बिटवीन 300 एंड 400 मार्क्स इन मेंस। काफ़ी जो एस्पिरेंट्स हैं उनके इवन की जो के एस क्वालिफाई भी फाइनल कर जाते हैं उनके एस्पिरेंट्स के भी 300-300 के आसपास मार्क्स रहते हैं, कईयों के नो डाउट 300 अबव भी होते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स जो पास होते हैं और जो नहीं भी होते हैं, जो मेंस पास करके फाइनल इंटरव्यू में नहीं पास कर पाते हैं, उनके भी 300 के आगे पीछे मार्क्स रहते हैं। अगर हम 350 और 400 के बीच में अगर मार्क्स ले आए तो ये 50 मार्क्स का एज बहुत बड़ा एज होता है हमें केएस फाइनल केएस को पास कराने के लिए, हमें केएस अफसर बनाने के लिए। आज मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा कि हाउ टू स्कोर मार्क्स बिटवीन 300 एंड 400 इन केएस मेंस इन जनरल स्टडीज पेपर, राइट। फर्स्ट हम इसको दो पेपर होते हैं जनरल स्टडीज के, पेपर वन एंड पेपर टू, दोनों 300 मार्क्स के होंगे। पेपर वन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, हिस्ट्री एंड कल्चर, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिस्टिक्स। पहले मैं हिस्ट्री ऑफ एंड कल्चर को नहीं लेते हुए मैं करंट अफेयर्स की बात करूंगा। काफ़ी एक्सपीरियंस मुझे बोलते हैं, मुझसे पूछते हैं कि करंट अफेयर्स हम कैसे पढ़ें, हम करंट अफेयर्स में कौन से पार्ट को, हम जो न्यूज़पेपर है उसको क्या फोकस करें, क्या हम मेन फ्रंट पेज पढ़ें, क्या हम एडिटोरियल पढ़ें, इंटरनेशनल नेशनल न्यूज़ कौन सी पढ़ें, क्या हम जो है स्पोर्ट्स को है क्या हम उसको छोड़ें या उसको पढ़ें, क्या चीज़ पढ़ें। मैं उनको ये बताता हूँ कि करंट अफेयर्स पढ़ने से पहले आपको इवन की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले अपने सिलेबस को मगअप करो, आप अपने सिलेबस को अच्छी तरह जान लीजिए, अच्छी तरह आपका सिलेबस दोनों ऑप्शंस का एज वेल एज जनरल स्टडीज़ का आपके टिप्स पे होना चाहिए। आपके सिलेबस दोनों ऑप्शंस की आपके एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक, सब टॉपिक आपके टिप्स पे होना चाहिए। उसका क्या बेनिफिट होगा, जब आप न्यूज़पेपर या आप किसी मैगजीन को पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि फलां टॉपिक जो है ये हमारे सिलेबस में है, तो इससे रेलिवेंट जो न्यूज़ होगी आप उसको, आप उसके नोट्स बना लोगे। इससे क्या होगा, आपको बेनिफिट होगा, आपको पता हो जाएगा कि आपका ये वाला जो न्यूज़ है आपके बेनिफिट के लिए है, आपका टाइम अननेसेसरी न्यूज़ को बनाने में, नोट्स बनाने में, उसको पढ़ने में वेस्ट नहीं होगा। मेजॉरिटी एस्पिरेंट्स का टाइम इसी में वेस्ट हो जाता है कि उनको पता नहीं लगता कि कौन सी करंट अफेयर्स जो है उनके सिलेबस के लिए, सिलेबस के अकॉर्डिंगली उनके केएस पेपर के लिए आवश्यक है, ज़रूरी है। यही जो एस्पिरेंट्स हैं मार खा जाते हैं, उनका मैक्सिमम टाइम जो है अननेसेसरी न्यूज़ बनाने में, करंट अफेयर्स की उसको नोट्स बनाने में वेस्ट हो जाता है और जो रेलिवेंट न्यूज़ है रह जाते हैं। अगर आपने सिलेबस अच्छी तरह पढ़ा होगा, आपके टिप्स पे होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी न्यूज़ बनाने में, करंट अफेयर्स पढ़ने में। यही एक तरीका है करंट अफेयर्स का, अपना सिलेबस अच्छी तरह मगअप कर लो, अच्छी तरह पढ़ लो, आपको करंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एट द सेम टाइम मैक्सिमम एक्सपीरियंस क्या होते हैं, एक या दो महीने पहले करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में वो क्लासेस ले लेंगे, करंट अफेयर्स कर लेंगे। ये अच्छा तरीका ये बिल्कुल नहीं है, आपको करंट अफेयर्स रोज़ाना पढ़ना है, रोज़ाना आपको करंट अफेयर्स की न्यूज़ बनानी है, आपको पूरा उसके नोट्स बनाने हैं। इससे ये बेनिफिट होगा जब आप टेस्ट दोगे, एग्ज़ाम नहीं, आपने जब इंस्टीट्यूट अगर पढ़ रहे हो या किसी के पास आप टेस्ट दे रहे हो, आपका साथ साथ आपको पता है इस टॉपिक की ये न्यूज़ मैंने बनाई हुई है, आपकी रिविज़न होती जाएगी। एंड में आपको करंट अफेयर्स के साथ आप अपने टॉपिक के जब आंसर लिखोगे उसको रेलिवेट नहीं कर पाओगे, उसको पूरा उसके साथ करंट अफेयर्स नहीं जोड़ पाओगे, जिससे कर आपके मार्क्स रह जाएंगे। ये तभी पॉसिबल है अगर आप स्टार्टिंग से करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, आप न्यूज़ बना रहे हो और आप टेस्ट दे रहे हो। आपके लिए टेस्ट ज़रूरी है, आंसर राइटिंग स्किल्स, आंसर राइटिंग स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। ये आपको, आप रोज़ाना आप ये बात मान के चलिए, आपको टू थ्री आवर्स, अगर थ्री नहीं तो दो घंटे आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी ही करनी है। इससे आपकी कमियां उजागर होंगी, आपको पता लगेगा कि आप कहां लैग कर रहे हो, आपकी लैकिंग कहां है। करंट अफेयर्स जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बिना आंसर अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो आप हकदार नहीं बनते के एस मेंस देने का, इट मीन्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम योर मनी। आपके लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रोज़ का दो घंटा बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आप परफेक्ट नहीं हो पाओगे। और एक और बात, तीन घंटे का समय होता है आपको आंसर, जब आपने टेस्ट देने हैं आप अपने पेपर सेटर जो आपको इंस्टीट्यूट में होगा या कहीं आप फ्रेंड्स में दे रहे हो उनको बोलो आप पैटर्न सेम हो, मार्क्स 300 हो, तीन घंटे के बजाय ढाई घंटे का आपका पेपर हो, ताकि आपकी
आपकी जो स्पीड है स्पीड इंप्रूव होगी, क्योंकि वहां आपको सोचने का समय बड़ा कम मिलता है, ना के बराबर मिलता है। 2.5 घंटे में आप अगर 300 मार्क्स का पेपर लिखोगे, आपकी स्पीड बिल्टअप होगी, आपका ब्रेन जो है ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेगा, जो आपको पेपर में मददगार होगा, आपको पेपर में एग्जामिनेशन फाइनल एग्जामिनेशन में आपका कुछ छूटेगा नहीं। इसलिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस विद 2 हैंड 3 ढाई घंटे आप लेके चलिए, आपके लिए बड़ा इफेक्टिव रहेगा, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। मैक्सिमम टॉपर जो हैं UPSC के भी जो हैं वो उन्होंने जब मेरी उनसे बात हुई तो यही बोलते हैं, जब हम पेपर देते जब टेस्ट देते थे तो 3 के बजाय हम 2.5 घंटे हम देते थे। KS जो है जो टॉपर्स जो जिन्होंने क्वालिफाई फाइनली किया है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बात करूँगा हिस्ट्री एंड कल्चर की, इसका फाइनली तो हम आपको नीरज सर बताएंगे, बट इसका कैसे आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है। हिस्ट्री एंड कल्चर में आप याद रखिए, आपको दो चीज़ों में ध्यान रखना है, पहला फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, सेकेंड इज सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस पार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन तो आपको देनी है, अगर आपको क्वेश्चन पेपर में अगर सिग्निफिकेंस नहीं पूछा गया, अगर आप सिग्निफिकेंस की बात करते हो, सिग्निफिकेंस एक या दो लाइन में लिखते हो, आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि हिस्ट्री में सिग्निफिकेंस जो है ये ज़्यादा आपको मार्क्स फेच करेगा। तो आप ये बात ध्यान में रख लीजिए, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको सिग्निफिकेंस भी लिखना है। अगर पेपर में नहीं भी पूछा गया आप एक लाइन का लिख सकते हो। अब मैं GS पेपर 2 की बात करूंगा, पेपर 2 की। इसमें 4 कंपोनेंट है हमारे, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन ज्योग्राफी, J&K ज्योग्राफी भी आजकल 40 मार्क्स की पूछी जा रही है, इंडियन इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एक बात इन पे जाने से पहले मैं ये बोलूँगा, जनरल स्टडीज़ में आपको जनरल स्टडीज में डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स जहाँ भी आपको पता लगे कि ये बनते हैं या ये यहाँ आते हैं आपके बड़े इंपॉर्टेंट है। ये आपके चक्कर में चक्कर जो होगा उस पर एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन, पॉजिटिव इंप्रेशन जाएगा आपका, क्योंकि डायग्राम फ्लो चार्ट से उसके दिमाग में उसको जहन में ये होगा दिस कैंडिडेट नोस एवरीथिंग अबाउट द क्वेश्चन, जो उसने आंसर लिखा है वो सब उसको पता है, क्योंकि वो डायग्राम फ्लो चार्ट्स भी लिख रहा है। इसके कारण आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, आपको और कैंडिडेट्स के मुकाबले इसमें एज हो जाएगा। और डायग्राम्स में आपको जब आप डायग्राम ड्रॉ करोगे, डायग्राम शुड बी ड्रॉन विद पेंसिल। मोस्ट अगर आप पेंसिल करते हो वो भी गलत नहीं है, बट पेंसिल से करते हो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। उसके साथ साथ आप उसके डायग्राम में नीचे किस बारे में है विद प्रॉपर कैप्शन, अगर आप कैप्शन लिखते हो तो ये ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, जिसके कारण आप यहाँ मार्क्स ज़्यादा फेच कर सकते हो। अब मैं पेपर 2 की बात करूँगा, इंडियन पॉलिटी। सबसे पहले मैं इंडियन पॉलिटी की बात करूँगा। इसमें आपको 10 क्वेश्चंस एग्जाम में होंगे, जिसमें से आपको 4 लिखने हैं 25 मार्क्स के, ठीक है। मैं ये कहूँगा कि ये क्वेश्चन आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो, 60 मिनट्स, पूरे 3 घंटे हो गए आपके। अगर आपने इसको 3 में डिवाइड किए, इसको इंडियन पॉलिटी को आप 1 घंटा दीजिए, 15 मिनट्स आप एक क्वेश्चन को दोगे तो 4 क्वेश्चन का 100 हो गया। अगर आप 60 मिनट्स 100 नंबर को देते हो तो 300 में आप पूरे 3 घंटे में आप 300 नंबर का पूरा आपका कवर अप हो जाएगा। इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं इंडियन पॉलिटी में।